सुंदर ढंग से यहाँ पर पधारे, व्यवस्थित ढंग से हम सब महिलाएं यहाँ पर विराजमान है। हम सब महिलाएं, लोग ऐसा कहते हैं जहाँ पर महिलाएं इकट्ठा होती है वहाँ सिर्फ शोरगुल होता है, लेकिन इस मंच से देखने के बाद ऐसा लगता है कि महिलाएं शोरगुल नहीं बचाती है। सुंदर ढंग से एक जगह पर पहुंचकर अपने विचारों का विनिमय करती है, ऐसे मातृशक्ति का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। इस सम्माननीय कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच में हम सब मातृशक्ति को मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन देने के लिए पधारे हुए सम्माननीय लोकप्रिय सांसद महोदय जी राकेश भाई साहब का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। परम सम्माननीय आराधना जी का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय बंधु भगनियों का हम सब लोगों को एक नई दिशा के ओर ले जाने वाले सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन। आयोजन मंडल के सभी युवा शक्ति का हम लोग इस मंच से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। एक साथ हम लोग जिस भारत देश में हम लोग रहते हैं उस माता का जयकार लगाएंगे, उसके बाद में दो तीन बातें आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पर पधार कर आप सब माता एवं बहनों के समक्ष खड़े होने का मौका मिला है। हम चित्रकूट प्रभु राम की तपस्थली प्रभु कामताना जी की नगरी से यहाँ पर फतेहपुर के पास हम यहाँ पर आए। आने के पहले हमें लग रहा था पता नहीं हम देर तो नहीं हो रहे और वहां जाकर हम क्या करेंगे, लेकिन आप लोगों को देखने के बाद जो खुशी हमें मिल रही है ये मैं आपके समक्ष बता नहीं सकती। पहले हम सब महिलाएं सभी बहुत सारी कहानियां हम लोग सुने होंगे और हम सब लोग आज अपने पास 10-15 रुपए बचाकर अपने प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं और जो भी बाजार में नई नई वस्तुएं आती है उन सबको हम लोग खरीद कर अपने घर और अपनी गृहस्थी सजाना चाहते हैं। इसके लिए आज होड़ लगी है, हर एक गांव में महिलाएं कहती है हमको स्वावलंबी बनना है। और स्वावलंबन का अर्थ ये नहीं है कि एक ही दिन में हम लोग लखपति बने, एक ही दिन में हम लोग करोड़पति बने, यह स्वावलंबन का अर्थ नहीं होता है। तो एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने अपनी अपनी खेती के बारे में, किसानी के बारे में, गाय बकरी भैंस पालन के बारे में या अपनी जो ऊसर जमीन है उसको कैसे अच्छा जमीन बनाया जा सकता है, इन विषयों पे लगातार हम लोगों को पूरी बातें पता चलती रही। लेकिन जब तक कि हम लोगों को छोटी छोटी बातों से अपनी मानसिक परिवर्तन नहीं होता हम लोग कभी भी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। अक्सर लोग ऐसा बताते हैं कि एक साथ बड़ा आदमी बनना है, तो हम लोग की जैसे गरीब महिलाएं, हम लोग की जैसे अशिक्षित महिलाएं घबरा कर अपने घर में वापस चली जाती है। इसलिए हम छोटी सी कहानी आपको बताना चाहते। एक किसान के पास एक बतख था, वो बतख रोज एक सोने का अंडा देता था और वो किसान बड़ा खुशहाली का जीवन व्यतीत कर रहा था। वो स्वावलंबी था क्योंकि उसको रोज एक सोने का अंडा मिलता था, वो अच्छा काम करने लगा था। ऐसे सालों बीत गया, उसके परिवार के लोग खुशहाली का जीवन व्यतीत करने लगे, लेकिन अचानक एक व्यक्ति आकर उसको बताता है, स्वार्थ के तरफ उसको ले जाता है, कहता रे मूर्ख तुम कर क्या रहे हो, ये बतख की तुम पेट काट दोगे तुम्हें एक साथ सोने के अंडे मिल जाएंगे, तुम सबसे बड़ा आदमी बन सकते हो। तो मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, जो रोज सोने के अंडे देने वाले बतख को वो किसान ये नहीं सोचा ये मेरा रोज भोजन कराता है, मेरा बच्चों का देखभाल करता है, वो भूल कर दूसरों की बातों में आकर उसने उसका बतख का पेट काटा है। पेट काटने पर
जो सोने के अंडा रोज मिलता रहता है वो भी चला गया। बतख के पेट से सिर्फ मांस निकलता है, खून निकलता है, थोड़ी हड्डियां निकलती है। तो इससे हम लोग को यही जानकारी प्राप्त होती है, हम लोग एक साथ खुशी पाने के लिए कोई गलत कदम ना उठाए। जैसे एक जमीन की भी बात होती है, वो सर जमीन भी यदि है तो स्वावलंबन की ओर अग्रसर होना है तो हमारे पास गाय हो, हमारे पास बैल हो, हमारे पास भैंस हो, हमारे पास बतके हो, हमारे पूरी तालाबों में मछली पालन हो, ये सब जब होगा तभी हम लोग स्वावलंबी बन सकते हैं। आपको लगेगा अरे दीदी को क्या है, गाड़ी से आए और खड़े होके भाषण देने लगे, लेकिन हम आपके समक्ष झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि हम जानते हैं हम सब महिलाओं को सच्चाई पे बड़ा विश्वास होता है। हम जो कुछ भी आपको कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों में, मध्य प्रदेश के कुछ गांवों में हम लोगों ने आपके जैसे महिलाओं को जोड़ कर काम किया है। पहले वहां पर खेती अच्छी होती नहीं थी, आज वहां पर पानी आने के बाद महिलाएं अच्छी खेती कर रही है, अच्छे छोटे छोटे उद्योग धंधा कर रही है। तो आप सब लोगों से हम निवेदन करते हैं कि भगवान ने महिलाओं को बड़ी ताकत देकर नीचे भेजा है। थोड़े दिन पहले हम लोग ने दुर्गा मैया का भी पूजा पाठ किया, वो भी एक महिला है। तो महिलाओं के पास शक्ति बहुत है, हम लोग अपनी शक्ति को पहचान ले और स्वावलंबन के ओर अग्रसर हो, कभी गलत काम ना करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक जो परिवार होता है वो महिला उसकी धुरी होती है। हम लोगों की इर्द गिर्द पूरा परिवार घूमता रहता है, हम भी कर गए तो हमारा परिवार बिगड़ेगा, परिवार बिगड़ा तो समाज बिगड़ा, समाज बिगड़ा तो गांव बिगड़ा, गांव बिगड़ा तो देश बिगड़ा। इसीलिए आयोजन मंडल ने ये जो मातृशक्ति को यहाँ पर एकत्रित किया है, आज हम कोई भाषण आपके सामने दे नहीं सकते, हमें देखकर जो खुशी हो रही है, इतना हम आपसे कहना चाहते हैं, जब भी किसी चीज की ऐसी प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, चाहे वो जैविक खेती के संबंध में हो, चाहे कुटीर उद्योगों के संबंध में हो, चाहे हरी ताजी औषधियों से दवाइयां कैसे बनाना है, सिलाई कढ़ाई बुनाई लोबस्ट बिल्डिंग मटेरियल, जो भी आप चाहते हैं हम लोग सिखाने के लिए तैयार है। और आप सीखेंगे तो बहुत बड़े आदमी बनोगे, जब बहुत बड़ी महिला बनती है तो गांव अच्छा हो जाता है। हमारे सामने सम्माननीय सांसद महोदय जी विराजमान है, आप उनका सुनने के लिए आतुर होंगे, आराधना दीदी का सुनने के लिए आतुर होंगे। मैं छोटी सी कार्यकर्ता के नाते, युवा शक्ति ने, रामेश्वर जी ने हमको आमंत्रित किया, हम मना नहीं कर पाए, हम पहुंच गए। हम आयोजन मंडल का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, सभी मंचासीन सम्माननीय अतिथियों का हम बार बार आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त इसी बात से करती हूँ, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। बहुत बहुत धन्यवाद महिलाओं की प्रतिमूर्ति सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष दर्शन डॉक्टर नंदा पाठक ने आप तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया, और उद्यमता विद्यापीठ क्षेत्र आपका आपको स्वावलंबन बनाने के लिए अग्रसर है। जब भी आप इनके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण लेने के तैयार होगी, जनकल्याण समिति पूरा माध्यमों के साथ उद्यमता विद्यापीठ पहुंचाने का बीड़ा उठाती है। आप सशक्त नारी सशक्त समाज के उदाहरण में आगे बढ़े।